हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिहारी स्टाइल आलू का भुजिया का रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए बिहार का फेमस आलू का भुजिया बनाते हैं। आलू का भुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ 5 मीडियम साइज का आलू को ले लिए हैं। स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच हल्दी, 3 सूखी मिर्च, आधा चम्मच जीरा। आलू को हम ऐसे लंबे लंबे काट लिए हैं बिना छिलका हटाए। आप चाहे तो छिलका भी हटा सकते हो, लेकिन मेरे घर में छिलका लगा हुआ ही बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। दूसरी तरफ गैस पे हम रखे हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डाले हैं 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल भुजिया में थोड़ा सा ज़्यादा डालिए। तड़का डालने के बाद तड़का चटक गया है, इसमें अब हम डालेंगे कटी हुई आलू। नमक हल्दी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए। और इसे ढक के छोड़ दीजिए 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए दोस्तों, 3-4 मिनट के बाद ये आलू का भुजिया ऐसा है। इसे हम फिर से ढकेंगे 2 मिनट के लिए। दो मिनट खत्म हुआ। एक आलू को हम चेक करके देखे हैं जो आलू पका है कि नहीं। तो आलू थोड़ा सा और पकेगा। इसे हम अच्छी तरह से मिला दिए हैं। और इसे ढक के छोड़ दिए हैं 2 मिनट के लिए। तो ये लीजिए दोस्तों, 2 मिनट खत्म हुआ, भुजिया अब ऐसा है। अब बिना ढक के हम भुजिया को फ्राई करेंगे। भुजिया बनकर पूरी तरह से तैयार है। अब हम गैस को बंद कर दिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कितना टेस्टी बना है भुजिया। अब हम इसे सर्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये आलू की भुजिया पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट हमें ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।